इंदौर की एमएसजी पुलिस ने ऐसे 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब होते इसके पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 तलवार सहित अन्य हथियार जब्त किए हैं। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि अयोध्यापुरी कॉलोनी के पास कुछ बदमाश हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं, जिस पर पुलिस ने 2 टीमें बनाकर मौके पर भेजी, जहां आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। वही एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 तलवारों और धारदार गुप्ती जब्त की है। सभी आरोपी थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी हैं। कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अयोध्यापुरी के पास जो निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल है, वहां पर कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके पास घातक शस्त्र हैं। तब सूचना मिलने पर तत्काल ESI धीरज शर्मा को और उनके साथ हमारा स्टाफ भेजा गया, जिन्होंने उनकी बात सुनी चुपके से, तो पता चला कि वो डकैती की योजना बना रहे हैं पेट्रोल पंप की। और इसी सूचना के आधार पर हमारी टीम ने तत्काल घेराबंदी करके पकड़ा है, तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक भागने में फरार हो गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें अर्पित काला, सचिन, राहुल और अंचल मोहित, ये सब हमारे थानाई क्षेत्र के रहने वाले हैं, और अतीत जो है वो फरार हो गया है वहाँ से मौका पाकर। सभी आरोपियों से एक रिवाल्वर, 2 तलवार और गुप्तियाँ जब्त हुई हैं। और इन सभी आरोपियों का एक ही उद्देश्य था कि वो पेट्रोल पंप को लूटें, और इसी गरज से वो सब वहाँ पर इकट्ठित हुए थे। सर, ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? सभी हमारे थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं और आसपास के ही हैं, अपने MIG क्षेत्र के ही हैं वो। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। वही पकड़े गए आरोपियों से अन्य मामले में भी पूछताछ कर रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।